हेलो, वेलकम इन माय चैनल जॉब अपडेट। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 के बारे में बात करते हैं। बिहार सिविल कोर्ट ने ग्रुप थ्री के लिए क्लर्क चपरासी सहित 7692 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। योग्यता 20 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 की तिथि के बारे में बात करते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 20 सितंबर 2022, आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2022 तक है। तो बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है बिहार सिविल कोर्ट में। स्टेनो विशेषज्ञ के लिए 1562 पोस्ट पे ओपनिंग निकली है। रीडर और लेखक सपरा लेखक के लिए 1132 पोस्ट पे, चपरासी और अर्दली के लिए 1673 पोस्ट पे। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। क्लर्क के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं स्टेनोग्राफर के पद के लिए जो योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए और उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बात करते हैं रीडर्स और गवाही लेखक से संबंधित शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चपरासी और अर्दली के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक के पदों के लिए आवेदन शुल्क जनरल और पिछड़ा वर्ग, EWS और EBC के लिए 800 रुपये है। SC ST और PH के लिए 400 रुपये होंगे। चपरासी अर्दली पदों के लिए आवेदन शुल्क जनरल, पिछड़ा वर्ग, EWS और EBC के लिए 600 रुपये, SC ST PH के लिए 300 रुपये होंगे। बात करते हैं तो दोस्तों उम्मीदवार कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट districts.ecourse.gov.in पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो क्लर्क की चयन प्रक्रिया और उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं। तो क्लर्क के लिए उम्र सीमा अनरिजर्व मेल के लिए 21 से 37 साल है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 21 से 40 साल, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए 21 से 40, अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 21 से 40, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 21 से 42। सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा 90 नंबर का, उसके बाद इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। ये थी क्लर्क की। स्टेनोग्राफर की चयन प्रक्रिया और उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जनरल के लिए वही 21 से 37, जनरल फीमेल के लिए 21 से 40, EBC के लिए मेल के लिए 21 से 40, EBC फीमेल के लिए 21 से 40, शेड्यूल कास्ट के लिए 21 से 42 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा 90 नंबर का, और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। चपरासी और अर्दली की चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी? तो जनरल मेल के लिए 18 से 37 है, जनरल फीमेल के लिए 18 से 40 है, EBC मेल के लिए 18 से 40 है, EBC फीमेल के लिए 18 से 40 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 18 से 42 है। इसके लिए एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 होगा, इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 6 होगा। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, चपरासी के लिए जो एग्ज़ाम होगा हिंदी 35 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर और मैथमेटिक्स 35 नंबर का होगा। तो ये थी बिहार सिविल कोर्ट की ओपनिंग्स और उसकी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम का मोड और तरीका। तो बिल्कुल अप्लाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ओपनिंग के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।